ओके फिर तो व्हाट्सएप तुमको बैक टू टेकन की जगह आज हम बात करने वाले हैं हम लोग कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज को लेकर काफी सारा कमेंट आते रहते हैं और ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है। हर लोग चाहते हैं कि उनका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आसानी से चेंज कर पाए ऑनलाइन घर बैठे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप कितने तरीकों से अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को चेंज करवा सकते हो, क्या ऑनलाइन चेंज हो सकता है, क्या ऑफलाइन चेंज हो सकता है, और ऑफलाइन होगा तो कितने चार्ज लगेंगे, ऑनलाइन होगा तो कितने चार्ज लगेंगे। इन सभी सवालों का जवाब साथ ही मैं आपको कैसे चेंज करना है वो चीज मैं बता दूंगा क्योंकि मेरे चैनल में पहले से ये वीडियो पड़ी हुई है। बाकी आप इस वीडियो को देख के जाइए ताकि आपको पूरा एकदम कन्फर्म हो जाए कि क्या चीज आपको करनी है ताकि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज हो सके। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तो गाइस आपको बता दें सबसे पहले कि यहाँ पर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करवाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ऑफलाइन तरीके के बारे में, गाइस आपको बता दें कि ऑफलाइन तरीका मेरे हिसाब से काफी आसान तरीका है और काफी सही तरीका है क्योंकि आप इस पे आसानी से विश्वास कर सकते हो और यहाँ पर आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आप कहीं भी अपने नजदीकी आधार सेंटर पे जहाँ पे आधार कार्ड बनाया जाता है वहां पर जाके सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म को फिलअप कर देंगे जिसमें आपका अपना नाम, अपना आधार नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो अपडेट करवाना है बस। साथ में अगर आपको जीमेल आईडी लिंक करवानी है तो आप जीमेल आईडी लिख देंगे, आपका 8 दिन के अंदर वहां पर लिंक कर दिया जाएगा। और यहां पर आपको पहले ₹50 चार्ज लगते थे और अभी इस टाइम पे इसका आधार कार्ड का जो चार्ज है वो बढ़ चुका है तो यहां पर ₹100 का चार्ज लगेगा और आपका 8 दिनों के अंदर आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपका आधार कार्ड लिंक हो चुका है इस वाले मोबाइल नंबर से जिसका आपने लिंक दिया होगा, यानी कि जो वाला मोबाइल आपने लिंक करवाने के लिए दिया होगा। साथ ही में आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर भी मेल आ जाएगा कि ये वाली ईमेल आईडी इस वाले आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑनलाइन तरीके की। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब पे फेक तरीके चलते रहते हैं ऑनलाइन को लेकर, आप कहीं पर भी न जाइए, कोई भी मत देखिए वीडियो, वहां पर आपको ऐसे मूर्ख बनाया जाता है जैसे कि मतलब आपको एकदम पूरा बिलीव हो जाए। और आपको पता है दोस्तों कहीं पर भी आप लोग अभी तक आधार कार्ड ऑनलाइन चेंज नहीं करवा सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होता है, जो फॉर्म आप ऑफलाइन में जाकर पेपर पर भरते हो वही फॉर्म आपको यहाँ पर ऑनलाइन जो है अपॉइंटमेंट बुक कर लेना होता है, यानी कि एक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आता है आधार कार्ड वाले में। तो वहां पर क्या करना होता है कि आपको ऑनलाइन वो फॉर्म भर लेना होता है और आपको एक आईडी दे दी जाती है, यानी कि एक आईडी नंबर दे दिया जाता है। आप उस आईडी नंबर को ले जाके अपने नजदीकी सर्विस सेंटर पे जहाँ पे आधार कार्ड बनाया जाता है वहां पर ले जाकर दिखाएंगे तो ही आपका आधार कार्ड वहां पे करेक्शन किया जाएगा। कुल मिला के आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए, आपको सर्विस सेंटर पे जाना ही होगा जहां पर आधार कार्ड बनता है। तो भैया वो ऑनलाइन नहीं हुआ वो तो आपको जाना ही पड़ेगा ऑफलाइन में। तो यहाँ पर अभी तक इस टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी तक कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या फिर जीमेल आईडी चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे, अभी तक ऐसा तरीका नहीं बना है। तो गाइस आपको उम्मीद करते हैं सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। अगर कोई ऐसा वीडियो आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो प्लीज उसे मत देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहे हैं। बाकी आपको अगर इस वीडियो में समझ में आ गया हो, अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम ऐसे दासों टाइप के और ओरिजिनल और रियल कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आप तक के लिए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।